सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1049 का स्पॉइलर आ चुका है। और अगर मैं बात करूँ इस स्पॉइलर की ना भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब ये स्पॉइलर रीड किया भाई, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। पर मैं पूरे चैप्टर के आने का वेट करूंगा। अब मैं बताता हूँ मैं कहाँ इतना ज़्यादा खुश हुआ, वो बताऊंगा आगे। लेकिन पहले हम लोग चैप्टर के स्पॉइलर की बात करेंगे। तो यार, मांगा चैप्टर स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के टाइटल की। तो इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है द वर्ल्ड वी शुड एस्पायर टू, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसकी हम इच्छा रखते हैं, जो कि नो डाउट लूफी ही ये दुनिया ला सकता है। इसके बाद आता है कवर पेज की। तो हम सबको मालूम है होल केक वाला कवर पेज चल रहा है, और वहां पर इस बार हमें क्या दिखाया गया है भाई, कोई बंदा नींजी और योंजी जो उस किताब के अंदर कैद है उनको जला रहा है, जिस पर मुझे ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं। मर जाए साले, मुझे वो बंदे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं चाहेंगे उसे जलता देखना। देखो एक चीज कह दूं, ओडा ऐसे ही किसी कैरेक्टर को ना जला के नहीं मार देगा, वो भी कवर पेज में। कवर स्टोरी चल रही है मानता हूँ, पर ऐसे कवर पेज में तो नहीं मारेगा, उसको कोई ना कोई बचा लेगा या फिर कुछ ना कुछ करके वो लोग बच जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इस चैप्टर का सबसे मस्त सीन में से एक, काइडो का फ्लैशबैक। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वी सी हिज चाइल्डहुड इन वोडका किंगडम। भाई किंगडम का नाम भी रखा है वोडका, मतलब जिस हिसाब से ये बंदा शराबी है उस हिसाब से नाम भी रखा है किंगडम का। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम ये देखो। अब जैसा कि तुम जानते हो, काइडो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक ओनी है। हिंदी में बोले तो नरभक्षी राक्षस है, और इंग्लिश में बोले तो ऑर्क्स है। डॉक्टर वेगापंक उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब मुझे जहाँ तक लगता है, काइडो और यामाटो अपने स्पीसीज के लास्ट बचे हुए हैं, प्लस ऐसा हो सकता है कि वो ओनी किंग हो अपने पास्ट में। अब हाँ, वो उस वक्त चाइल्डहुड में था, पर हो सकता है वो वहाँ का प्रिंस हो, बिकॉज वो किंगडम में क्या कर रहा है। अब देखो पूरी तरह से काइडो का फ्लैशबैक जब रिवील होगा तब बहुत अच्छे से पता चलेगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो क्लिप मैंने चलाया ना, ये मैंने आज से 4 महीने पहले बनाया था। नेक्स्ट, जब काइडो वोडका किंगडम में रहता है तो कुछ साल बाद व्हाइट बियर्ड वहां पर जाता है और उसको कहता है रॉक्स वांट्स टू मीट हिम। अब देखो ये जो कैरेक्टर है ना, रॉक्स टी जेबेक, मुझे ऐसा लगता है इस कैरेक्टर को ना बहुत सारी जानकारियां प्राप्त है, बहुत सारी चीजें उसको पता है। प्लस ये वन पीस के वर्ल्ड के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में आता है ना भाई, क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। प्लस यार, रॉक्स क्यों मिलना चाहता था ये चीज भी हमें नहीं पता, ये आगे जाकर के हमें मांगा चैप्टर्स में रिवील किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्पॉइलर के तरफ। इन द प्रेजेंट पार्ट ऑफ राइजो वाटर लिफ्ट द कासल एंड फ्लेम्स क्लाउड डिसअपीयर। देखो ये जो फ्लेम क्लाउड डिसअपीयर हुए हैं, ये वो फ्लेम क्लाउड हैं जिनको काइडो ने क्रिएट किया था। बट मोमो मेक्स न्यू वंस, मतलब भाई मोमोनोस्के ने नए क्लाउड बना दिए। अब एक हिसाब से अच्छा ही काम किया इस गधे से, कोई तो काम हुआ ढंग का, वरना इतने टाइम से क्या ही कर रहा था, मेरे से नहीं होगा यही रट लगा के रखा था। इसके बाद हमें जो है लूफी की ओर से एक एपिक लाइन सुनने को मिलता है, जहां पर लूफी कहता है ही विल क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर नन ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टार्व, देन ही हिट्स काइडो एंड काइडो फॉल्स टू द ग्राउंड ऑफ द फ्लावर कैपिटल। देख भाई एक चीज बोलूं, जिस पल का तुम सबको बेसब्री से इंतजार था भाई, मतलब ये जो फाइट घमासान वाला चलेगा वो पल आ चुका है। अब वो फ्लावर कैपिटल के ऊपर जाकर के गिरता है, जिस हिसाब से मेरे हिसाब से चोट तो किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्लावर फेस्टिवल जो चल रहा था वो खत्म हो चुका था और सब लोग वहां से निकलने की तैयारी पे थे। आई होप कि किसी को चोट ना पहुंचा हो। लेकिन मैं एक चीज कहूँ, जिस हिसाब से इस आर्क में हुए हैं भाई, ऐसा लगता है कैरेक्टर नहीं हारा है, लेकिन फिर ओडा जो लिख देता है कि वो कैरेक्टर हार गया, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टेंशन भी है। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि काइडो यहीं पे हार जाए, अभी और थोड़ा फाइट लंबा चले मैं उसे देखना चाहता हूँ, थोड़ा पास्ट वास्ट और दिखाए यार, इतना करके सर दर्द ना करवाए तो अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते भाई फाइनल जो इसका स्पॉइलर था। इन अनदर फ्लैशबैक हमें एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां पर काइडो किंग को बता रहा होता है। अब हम सबको याद है यार, एक फ्लैशबैक हमें दिखाया गया था काइडो और किंग का, जहां पर किंग को ऐसा लगता था कि काइडो ही जॉय बॉय है, और यहां पर हमें उसके बाद वाला सीन दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है काइडो किंग को कहता है जॉय बॉय वो बंदा है जो उसे हराएगा। मतलब एक बात समझ रहो, काइडो इतने टाइम से वानों में क्या कर रहा है भाई, उसको एक टक्कर का फाइट चाहिए, वो चाहता है जॉय बॉय आए और उसको हराए, वो जॉय बॉय का वेट कर रहा है। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, ये देखो। अब देखो अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, ये जो तुम लोग अभी फाइट देख रहे हो लूफी वर्सेस काइडो की, काइडो अभी लूफी को टेस्ट कर रहा है,
कि क्या ये लड़का वही है जो जॉय बॉय के विल को लेके पैदा हुआ है। बिकॉज जब काइडो लूफी को हरा के समुंदर में फेंक देता है तो वो रोता है, ये भी जॉय बॉय नहीं निकला ये सोच के। ये वीडियो मैंने आज से 4 महीने पहले बनाए थे और जिस हिसाब से चल रही है फिलहाल मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। अच्छे से प्रॉपर वाला फ्लैशबैक आने दो। बाकी तो तुम समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुमको देख के क्या लग रहा है यार, जरा अपने कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।